हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीन जेनेट द्वारा लिखा गया प्ले द बैल्कनी। ये प्ले काफ़ी लंबा है तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में कवर किया है। ये पार्ट टू है और पार्ट वन को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इस प्ले के टोटल 9 सीन्स में से फर्स्ट 5 सीन्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये पार्ट टू है तो इसकी शुरुआत होती है सीन 6 के साथ में। दोस्तों, 6th सीन इज सेट इन अ पब्लिक स्क्वायर जो कि ब्रोथेल से कुछ ही दूरी पर था। इस सीन में रॉजर, चैंटल और 3 रेवोल्यूशनरीज होते हैं। रॉजर और चैंटल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बट रॉजर इज अ बिट जेलस क्योंकि चैंटल अब विद्रोह का फीमेल सिंबल बन चुकी है। बाकी के जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो चैंटल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि चैंटल इस रेवोल्यूशन को लीड करे और विद्रोहियों को इंस्पायर करे विद हर सॉन्ग्स। लेकिन रॉजर नहीं चाहता कि चैंटल उससे दूर होकर इन विद्रोहियों के साथ जाए, जबकि वो खुद एक विद्रोही होता है और वो विद्रोहियों की ही जीत चाहता है। तो ही टेल्स द रेवोल्यूशनरीज टू फाइंड अनदर वुमेन लीडर फॉर देमसेल्फ, बट चैंटल हैड कमिटेड हरसेल्फ टू दिस नोबल कॉज और वो रॉजर के लाख मना करने के बाद भी विद्रोहियों के साथ चली जाती है आफ्टर रीअश्योरिंग हिम ऑफ हर लव फॉर हिम। अब शुरुआत होती है सीन 7 की। मैडम इर्मा, जॉर्ज और कार्मेन ब्रोथेल के फ्यूनरल स्टूडियो में इकट्ठा हुए होते हैं विद द डेड बॉडी ऑफ आर्थर। और इर्मा के इस स्टूडियो में कुछ ही समय पहले एक धमाका हुआ है जिसके कारण एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी देयर इज इन टैटर्स एंड हार्म्ड एक्सेप्ट द कोर्ट एनवॉय, जिसे कोई चोट नहीं आई। कोर्ट एनवॉय यानी महारानी जी का मैसेंजर रॉयल पैलेस से आया था और वो उन सबको बताता है कि रॉयल पैलेस को विद्रोहियों ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और रानी के साथ साथ बाकी सब लोग भी या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरीके से घायल हैं। इसी के साथ साथ स्टेट के बाकी पावर होल्डर्स भी स्टेबल पोजीशन में नहीं हैं क्योंकि शहर का मिलिट्री जनरल पागल हो चुका था और बिशप का कुछ आता पता नहीं था। कोर्ट एनवॉय मैडम इर्मा को सजेस्ट करता है कि वो जनता के लिए थोड़ी देर के लिए क्वीन का रोल प्ले करे ताकि जनता को सेफ महसूस हो और वो विद्रोह ना करे। और साथ ही साथ क्योंकि शहर के रियल बिशप, जज और जनरल भी या तो लापता या पागल हो चुके थे या फिर वो मारे जा चुके थे, तो इर्मा के जो क्लाइंट्स बिशप, जनरल और जज का रोल प्ले कर रहे थे वो भी अब इन्हीं रूपों में पब्लिक के सामने अपीयर होंगे। दोस्तों, अब जॉर्ज ये सोचता है कि मैं तो शहर का मोस्ट पावरफुल आदमी हूँ और अगर इर्मा क्वीन का रोल प्ले करेगी तो उसका ओहदा मुझसे ऊंचा हो जाएगा इवन इफ शी इज जस्ट प्लेइंग अ रोल। तो जॉर्ज को बड़ी जेलेसी होती है इर्मा से, बट इर्मा रानी का रोल प्ले करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाती है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो इस पॉइंट पर कि क्वीन के रॉयल पैलेस और मैडम इर्मा की इस ग्रैंड बालकनी के बीच एक समानता और क्लोज संबंध दिखाया जा रहा है कि जब शहर की रियल शासन व्यवस्था कोलैप्स हो गई तो मैडम इर्मा और उनके क्लाइंट्स जो ब्रोथेल के स्टूडियोज में अब तक शहर की शासन व्यवस्था और पावर सिंबल्स का रोल प्ले कर रहे थे वो अब रियलिटी में इन रोल्स को निभाएंगे पब्लिक के सामने। दोस्तों, इसके बाद में सीन 8 की शुरुआत होती है।
इस सीन में मैडम इर्मा क्वीन के रूप में जॉर्ज और बिशप, जज और जनरल का रोल प्ले कर रहे अपने क्लाइंट्स के साथ ब्रोथेल की बैल्कनी पर पब्लिक के सामने अपीयर होती हैं। एक बैगर पब्लिक में से चिल्लाता है, लॉन्ग लिव द क्वीन, एंड देन ही गोज ऑफ। तभी रेवोल्यूशनरी लीडर चैंटल भी बालकनी पर अपीयर होती है और क्वीन इर्मा उसके आगे अपना सर झुकाती है और तभी चैंटल को एक हथियारा गोली मार देता है एंड शी डाइज राइट देयर, और इस तरह वो इस रेवोल्यूशन में शहीद हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं इस प्ले के आखिरी सीन, सीन 9 की तरफ। दोस्तों, ये इस प्ले का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन है। इर्मा के ब्रोथेल में बिशप, जज और जनरल पूरे शहर के सामने अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस के एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं और खुश होते हैं कि शहर की जनता को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, बिकॉज शहर की जनता उन्हें पहचान ही नहीं पाई और उन्हें असली बिशप, जज और जनरल मान लिया। प्ले की शुरुआत में जो फैंटेसी और इल्यूजन था वो अब रियलिटी बन चुका है, बिकॉज नाउ दीज रोल प्लेयर्स हैव टू लिव दीज रोल्स ऑफ बिशप, जज एंड जनरल इन रियलिटी। आगे हम देखते हैं कि जनता को दिखाए जाने के लिए फोटोग्राफर्स इनकी फोटोज खींचते हैं, लेकिन इन तीनों को समझ ही नहीं आता कि एक रियल बिशप, जज और जनरल की तरह फोटोग्राफ्स के लिए कैसे पोज करना चाहिए, और बहुत ही बेढंगे तरीके से ये लोग फोटोज खिंचवाते हैं। इसी पॉइंट पर क्वीन इर्मा और कोर्ट एंड बॉय एंटर करते हैं और मैडम इर्मा इन तीनों से पूछती हैं कि अब जब ये लोग रियल बिशप, जज और जनरल बन चुके हैं जनता के सामने, तो शहर के लिए उन्होंने क्या ऑफिशियल डिसीजंस लिए हैं। और ये लोग मैडम इर्मा को अपने डिसीजंस के बारे में बताते हैं। मैडम इर्मा आगे ये रिवील करती हैं कि जॉर्ज के लिए एक टॉम बनवाई जा रही है जो कि इस समय बहुत ही डिप्रेस्ड था, क्योंकि कोई भी इंसान उसका रोल प्ले करना ही नहीं चाहता था। अब वो बिशप, जज और जनरल अपने रोल्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पार्ट्स जॉर्ज से भी ज़्यादा पावर है, बट मैडम इर्मा एंड जॉर्ज स्कोल्ड देम कि भाई अपनी लिमिट में रहो तुम। तभी कारमेन आकर बताती है कि एक आदमी चीफ ऑफ द पुलिस का रोल प्ले करना चाहता है, और ये सुन के तो जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है। एंड द मैन हु हैज कम टू प्ले द चीफ ऑफ द पुलिस इज नन अदर देन रॉजर हु हैज फेल्ड एज अ रेवोल्यूशनरी। तो रॉजर जॉर्ज का गेटअप लेकर मॉजिलियम स्टूडियो में एंटर करता है जिसे स्पेशली जॉर्ज के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, मॉजिलियम स्टूडियो का मतलब है समाधि या फिर मकबरे वाला स्टूडियो। तो इस रोल प्ले में रॉजर जॉर्ज के रूप में एक स्लेव को बचाता है और सब लोग चीफ ऑफ द पुलिस की तारीफ करने लगते हैं। जॉर्ज बड़ा खुश होता है कि अब फाइनली उसकी इमेज भी ग्लोरीफाई हो चुकी है। लेकिन इस रोल प्ले के इनैक्टमेंट के बाद रॉजर वहां से जाने की बजाय खुद को कैस्ट्रेट कर लेता है, यानी ही डिस्ट्रॉयज हिज मैस्कुलिनिटी। दोस्तों, ये सब देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जॉर्ज इस बात पर ना तो गुस्सा होता है और ना ही निराश होता है, और वो ये डिसाइड करता है कि उसके लिए जो टॉम बनाया गया है वो 2000 सालों तक उसी के अंदर रहेगा। हालांकि इर्मा उसे ऐसा करने से मना करती है बिकॉज वो जॉर्ज से अब भी प्यार करती है, बट जॉर्ज डज नॉट लिसन टू हर एंड वो खुद को उस टॉम में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। मीनवाइल वहां फिर से मशीन गन की फायरिंग की आवाजें आने लगती है और मैडम इर्मा क्वीन की तरह बिशप, जज और जनरल और बाकी सभी लोगों को उनके घर जाने के लिए कह देती है। And she
puts off all the lights of her brothel one by one except the light in the mausoleum studio with George Tomp being there. Irma और Carmen brothel को lock कर देते हैं and they clean it because it was in terrible ruins. Towards the end of the play, Madam Irma play के illusion को finally break करती हैं और directly audience को address करती हैं. She says that she will have to prepare herself for the next day and promises कि वो अपने इस house of illusion को दोबारा से build करेंगी एक नए तरीके से और अपने listeners को वो घर जाने के लिए कहती हैं. वो बोलती है कि जो उन्हें उनके घर में मिलेगा वो यहाँ जो उन्होंने देखा उसके comparison में कहीं ज़्यादा false होगा. तो जेनेट इस तरह प्ले की एंडिंग में बुर्जुआजी सोशल वैल्यूज को अटैक करते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज फेक होती हैं एंड द प्ले एंड्स ऑन दिस नोट. तो दोस्तों इस प्ले में रियलिटी और इल्यूजन के बीच एक क्लैश को दिखाया गया है. इल्यूजन और फैंटेसी ब्रोथेल के अंदर रूल करते हैं और रियलिटी ब्रोथेल के बाहर असली दुनिया में रूल करता है. मैडम इरमा का ये घर, इसे हाउस ऑफ इल्यूजन कहा गया है क्योंकि मैडम इरमा का ये ब्रोथेल लोगों को अपनी फैंटेसीज और ड्रीम्स को जीने का एक मौका देता है. जो लोग अपनी रियल लाइफ से बोर हो चुके हैं वो यहाँ पर आकर जो भी बनना चाहें वो बन सकते हैं. लेकिन एक पॉइंट के बाद रियलिटी ब्रेक्स इनटू दिस इल्यूजरी वर्ल्ड और ये इल्यूजन्स और फैंटेसीज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं द मोमेंट द क्लाइंट्स मेक देयर अपीयरेंसेस इन पब्लिक एज द रियल बिशप जज एंड जनरल. और पब्लिक भी इन्हें पहचान नहीं पाती और इन्हें असली बिशप जज और जनरल ही समझती है. विच शोज दैट देयर इज अ वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी. तो दोस्तों आई होप कि इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये प्ले अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.